नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरूप कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक अरूप कुमार यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ कमेंट के बारे में जो पिछले वीडियो में मुझे मिला था, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो क्या कमेंट था, कमेंट किया था भाई ने, तो चलो देखते हैं। संजू भाई ने कमेंट किया कि डोमेन ब्लॉगर पर ऐड कर सकता हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। और स्वरूप भाई ने भी बोला था ब्लॉगस्पॉट पर क्या कनेक्ट कर सकता हो? जी हाँ, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और ट्रेंडी वायरल टीवी भाई ने बोला था हेडर पेज भाई कैसे लिंक बनाते हैं, कैसे डालेगा भाई प्लीज़। ठीक है, मैं सबको बता देता हूँ। जी हाँ, ब्लॉगर पर तो आप डोमेन को ऐड कर सकते हैं। जो मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे जाके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें .com डोमेन बिल्कुल फ्री मिल रहा था। ठीक है, तो आप उन ब्लॉगर पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आज वो भी दिखा दूंगा कि ब्लॉगर पे कैसे कनेक्ट करते हैं। और इस भाई ने ट्रेंडी वायरल टीवी भाई ने बोला था कि हेडर पेज पे लिंक कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं नीचे कॉमेंट पर लिख के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहले दिखाते हैं कि ब्लॉगर पे डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं अपने गोडेडी अकाउंट पे आया हूँ। ठीक है, आप कहीं से भी डोमेन ले सकते हो, मैंने गोडेडी पे लिया था तो मैं इससे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन है। ठीक है, तो और ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, मैं ब्लॉग खोल, और ये है ब्लॉग, डेमो ब्लॉग मैंने बनाया था वैसे ही दिखाने के लिए। तो ये है ब्लॉग। ठीक है, तो ब्लॉग पे कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा आपको, डोमेन पे जहाँ से भी आप डोमेन खरीदे हो उस डोमेन पे आना है। ठीक है, उसके बाद जाना है DNS पे। DNS पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक नया इंटरफेस खुलेगा, तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है सीनेम वगैरह का। ठीक है, ये है। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, इसको हम चेंज करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है और ब्लॉगर के साथ डोमेन कनेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लॉग। तो इस पर क्या करना है, इस पर सेटिंग पे आना है आपको। सेटिंग पे आने के बाद नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कस्टम डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो डोमेन है, डोमेन यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और मेक श्योर कि आप www ज़रूर डालें। ठीक है, www.in। तो मैंने यहाँ पे डाला, उसके बाद सेव किया। ठीक है, उसके बाद कुछ एरर देगा, देखिए ये कुछ एरर है। तो ये एरर नहीं, गूगल बोल रहा है कि जो हमारा सी नेम और डेस्टिनेशन जो भी है उसको आपको ब्लॉगर के, सॉरी डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो सी नेम है, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है, www। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ब्लॉगर पे सी नेम पे लिखा है www, ये देखिए ये सही है। ठीक है, उसके बाद है डेस्टिनेशन पे क्या लिखा है, जो भी लिखा है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आना है, देखिए यहाँ पे www तो सी नेम पे, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो इस वाले पेंसिल पे आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद www तो ठीक है,
उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली इसको पॉइंट टू, तो इसको यहाँ से ऐड करना है, उसके बाद सेव करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, और उसके बाद फिर से नेम है, नेम में क्या डालना है, ये डालना है हमें, ठीक है। तो उसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, सी नेम है, ठीक है। तो पेंसिल के आइकन पे फिर से क्लिक करना है, उसके बाद सी नेम के जगह पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है, जितना भी है आपको पूरा पक्का पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद ये है पॉइंट टू, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से सेव करूँगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर से आपको ब्लॉगर पे आना है, उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। तो अभी ये सेव हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिखा रहा है, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो HTTPS है उसको आपको यहाँ से एनेबल करना है, ठीक है। तो सिंपली इतना ही काम है, इसको एनेबल करने है, ठीक है। उसके बाद मैं अभी अगर मैं अपना ब्लॉग को रिफ्रेश करूँ तो अभी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ब्लॉगर का जो लिंक है वो लिंक को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, अबाउट अस है, तो उसको हम ऐड करेंगे ब्लॉगर पे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये है मेरा ब्लॉगर, ठीक है। तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो अबाउट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कहीं और जा रहा है, ठीक है, रिडायरेक्ट हो रहा है, जिसका भी मतलब जहाँ से भी मैंने टेम्पलेट लिया था तो उस साइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है और दो यहाँ पे और ऐड करना है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो मैं पहले प्राइवेसी पॉलिसी को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा आपको, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो ये दो तीन मिनट में आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर देता है, दो तीन मिनट भी नहीं लगता, जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, मतलब कंपनी नहीं, मतलब अपना ब्लॉगर का जो भी नाम होगा, तो इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का नेम सेम है तो मैंने डाल दिया। उसके बाद वेबसाइट का URL, तो मैंने यहाँ से URL को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा, बोल रहा है कि डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, अगर आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो मैं यहाँ से येस करता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि डू यू शो एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, जी हाँ हम लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं यहाँ से यस करता हूँ। उसके बाद दिखा रहा है कि डू यू शो एडवर्टाइज फ्रॉम थर्ड पार्टी एक्सेप्टेड गूगल, मतलब गूगल के गूगल एडसेंस के अलावा आप कोई भी और एड यहाँ पे शो करेंगे, तो मैं यहाँ से नो करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्री आएगी, तो यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, हमारा जो भी कंट्री है, मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, मतलब अगर आपका ऑफिशियल मतलब बिजनेस को ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो अपना जो भी ईमेल आईडी से आप ब्लॉग क्रिएट किए तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिएगा क्या होगा कि हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गया, हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, जितना भी है पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप जाइए ब्लॉगर पे, ठीक है, उसके बाद पेज पे जाइए, पेज पे जाने के बाद एक नया पेज क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, तो ऐसे ही आपको एक पेज को क्रिएट करना है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी करके, सॉरी ये HTML में आ गया, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद
चलिए चलते हैं, देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस लिंक पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आपको पहले कंट्री का नाम देना है, ठीक है, सॉरी कंपनी का नेम देना है, ठीक है। तो मैं कंपनी का नेम डाल देता हूँ जल्दी से, डॉट इन नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद वेबसाइट नेम सेम है, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल, तो यहाँ से मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यूआरएल अभी दिखाया था आपको, टाइम की वजह से ये बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, इसलिए मुझे वीडियो को जल्दी बनाना है, ठीक है, इसलिए मैंने DNS को चेंज करके ब्लॉगर पे ही रख दिया, ठीक है। आप कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट के URL, उसके बाद नेक्स्ट सेम प्रोसेस है, यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हो, नहीं तो जिस भी कंट्री से हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कंट्री। उसके बाद स्टेट आएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आएगा, उसके बाद जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन, ये हो गया। यहाँ से आपको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप जाइए ब्लॉगर पे, ठीक है। उसके बाद एक नया पेज बनाइए, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ पेज, तो यहाँ पे पेज को क्रिएट करने के बाद उसको खोलिए, उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद अपडेट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, और अबाउट अस पेज को भी सिलेक्ट कर सकते, मतलब आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना बारे में, अपने कंपनी के बारे में, मतलब आपका जो वेबसाइट है उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया तीनों पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ब्लॉगर पे काम नहीं करता, मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आज ब्लॉगर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी थीम अपने, मतलब सॉरी थीम नहीं होगा, टेम्पलेट होगा, ब्लॉगर के लिए टेम्पलेट आता है, ठीक है। जो भी टेम्पलेट आपने यूज़ किया है उसके लेआउट पे जाइए, ठीक है। लेआउट के जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर है, ऊपर ये टॉप नेविगेशन मेनू है, ठीक है। तो ये है टॉप नेविगेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेंसिल के आइकन पे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे होम है, होम को एज इट इज़ रहने दीजिए। अगर आपका होम का URL कुछ चेंज करना है, मतलब आपको URL नहीं है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे URL नहीं है तो मैं यहाँ से, ये मेरा होम पेज का URL है, होम पेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा होम पेज का URL है, इसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट करके सेव करेंगे। उसके बाद अबाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट तो हमने अभी क्रिएट नहीं किया, तो मैं कुछ ही देर में आपको दिखा देता हूँ कॉन्टेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2-3 होगा तो आप यहाँ से भी मेनू ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का जो भी है मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डाल दिया, उसके बाद उसका URL डालना है, ठीक है। तो ये URL कहाँ से मिलेगा आपको, URL मिलेगा यहाँ पे, आपको पेज पे जाना होगा, ठीक है। पेज पे जाने के बाद यहाँ पे भी एक बार व्यू कीजिए, ये हो गया आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, ठीक है। तो उसको क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, और इसके बाद एड लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया, उसके बाद फिर से आ जाइए और आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर एक बार क्लिक कीजिए, तो ये आ गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ये हो गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज का URL, ठीक है। URL को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालना है और उसके बाद एड लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं आप, जो नीचे एरो है इसको, एरो को नीचे करके आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस होगा तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे करके ये कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया, देखिए होम, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव करना है एक बार, सेव करने के बाद ये जब भी सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद आपको पेज पे आना है, ठीक है, ये मेरा होम पेज है, ठीक है। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए ऊपर आ गया प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट अस, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी को खोलता हूँ, सेम पेज का URL खुलेगा, देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है।
उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को भी मैं खोलता हूँ यहाँ से। ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ये हो गया टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कॉन्टेक्ट आज का पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेआउट पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे गैजेट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी गैजेट को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ऐड ए गैजेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट आज का फॉर्म खुलेगा, तो इससे बेटर है कि आप कुछ अलग कीजिए, ठीक है। तो मतलब थोड़ा स्टाइलिश दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट आपका होना चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे प्लस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव करना है, कुछ नहीं करना है, बस सेव करना है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर मैं पेज को अभी देखिए, अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट आपका कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्ट आस, ठीक है। ये देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको दूसरी तरीका बताता हूँ। दूसरी तरीका क्या है कि आप एक वेबसाइट है जॉट फ्रॉम, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी से, गूगल ईमेल आईडी, फेसबुक से साइन अप कर सकते हो, नहीं तो आप साइन इन विथ ईमेल से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल से साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी से मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद इसको छोड़िए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट फॉर्म, ठीक है। ऊपर भी है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टार्ट एंड क्रैच पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लासिक फॉर्म पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आप चाहे तो कार्ड फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हो, तो मैं क्लासिक फॉर्म पे क्लिक किया, इसको काट देता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। तो इसके ऊपर में जो फॉर्म लिखा है उसको मैंने कट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट सॉरी ये सिटी कॉन्टेक्ट आस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऐड फ्रॉम एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे फुल नेम ऐड करूँगा, नेम ऐड करूँगा, उसके बाद ईमेल ऐड करूँगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हो, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट पे एड्रेस मत ही डालो, मेरा सजेशन है, आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या डालना है, क्या डालना है, एक मैसेज का बॉक्स डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया मैसेज का बॉक्स, तो थोड़ा लोडिंग हो रहा है, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को, एक सेकंड, टेक्स्ट को मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, सॉरी शॉर्ट लिंक को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी शॉर्ट टेक्स्ट को, शॉर्ट नहीं लॉन्ग टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। टाइप ए क्वेश्चन है, इसको कट कर दिए और लिखिए यहाँ पे मैसेज, योर मैसेज, योर मैसेज, योर मैसेज, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट आस का फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्म डिजाइनर पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे आप फॉर्म का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ब्लू ले लेता हूँ, उसके बाद स्टाइल है, थीम है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, अगर ये वाला चाहिए, ये वाला, कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। तो फिलहाल के मैं लिए मैं ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते सेटिंग पे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है इसको आपको, सॉरी नहीं इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थैंक यू पेज, तो अगर कोई बंदा आपका कॉन्टेक्ट आपका फॉर्म को फिलअप करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो जो इसका फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट थैंक यू पेज है उसके साथ आप जा सकते हो, नहीं तो आप अगर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, मतलब कोई अगर अपना फॉर्म को फिलअप करे तो आप उसको होम पेज में या किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए यही छोड़ देता हूँ डिफ़ॉल्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पब्लिश पे, पब्लिश पे आने के बाद
तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म दिखने के लिए मिल जाएगा। व्हाट्सएप भी है, फेसबुक है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, ब्लॉगर चाहिए। तो सिंपली आप ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कोड मिलेगा आपको, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पे आएंगे, और अगर आपने पेज नहीं बनाया तो एक नया पेज बना लेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा कहाँ पे, HTML पे। आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। आपको HTML पे जाना है, ठीक है। HTML पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। उसके बाद इस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट होने के बाद चलिए देखते हैं हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज कैसे दिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ये आ गया हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज, ठीक है। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक मेल सेंड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे थैंक यू, योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव, ठीक है, हो गया। तो अभी चलते हैं हमारे फॉर्म पे, देखता हो कि कोई भी आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे टू सबमिशन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से बंदे ने आपको क्या मैसेज किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक खास बात और है कि यहाँ से भी आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ईमेल से भी रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको। अभी ये मैसेज मैंने सेंड किया था, ठीक है, हाई लिख के सेंड किया था, ठीक है। यहाँ पे आप मोर पे जाएंगे, ठीक है। किसी को अगर रिप्लाई करना है, यहाँ से भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर रिप्लाई करना है तो ये सिंपली यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद उसका ईमेल आईडी शो हो जाएगा और आपका ईमेल पे भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए वी हैव रिसीव यू रेस्पॉन्स, ठीक है, ये आ गया, हाई लिख के, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आ गया, मैंने पहले एक किया था। तो देखिए यहाँ पे ऊपर ईमेल आईडी आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, हाई क्या लिखूँगा, हाई टेस्ट ओके लिखता हूँ मैं, सिंपली ओके लिख के मैं यहाँ पे सेंड मेल, आई एम नॉट ए रोबोट, उसके बाद सेंड मेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेल सेंड हो गया, ठीक है, तुरंत सेंड हो जाता है, ठीक है। आई देखिए आ गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है कॉन्टेक्ट अस का पेज, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं ऊपर का जो ये मेनू है, ठीक है, कॉन्टेक्ट। इसमें हम कोई भी लिंक ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे एक लिंक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ से लिंक ऐड करूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लिंक को ओपन कर लेता हूँ पहले। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप आएंगे कहाँ पे, लेआउट पे आएंगे। लेआउट के आने के बाद यहाँ पे लिंक टेस्ट जो भी है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट अस का। तो यहाँ पे जितना भी लिंक है मैं इसको हटा देता हूँ और अपना वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे, हो गया सेव। अभी यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, ठीक है। होम पे चला जाता हूँ मैं और इस पे अभी कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म खुल गया, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि प्राइवेसी पॉलिसी कैसे ऐड करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और ब्लॉगर से डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं और कॉन्टेक्ट अस का पेज भी कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छे लगे। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।